दुनिया का हर काम आप कर सकते हो, लेकिन भक्ति जो है वो होती है, वो करनी नहीं पड़ती। बस तू बैठ जा, मन लगा के बैठ जा। आज 80 वर्षों में 10 किलो दूध को अगर थोड़ा सा जामुन दही में बदल सकता है, तो चाहे तेरी उम्र 50 वर्ष है, 60 वर्ष, 80 वर्ष है, ये 3 घंटे काफी है तुझे दही बनाने के लिए। संसार की किसी भी वस्तु व्यक्ति में भक्तो आनंद नहीं है। आपने तो शायद संसार के समस्त सुखों को भोग भी लिया हो, भोग लिया होगा। हर उम्र का या जो बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने समस्त सुखों को भोग भी लिया होगा। नशा, विषय, गृहस्थ भोग, खान पान, समस्त सुखों को भोग लिया होगा। क्या आपको आनंद मिला? क्योंकि वो आनंद है ही नहीं जिसे आप आनंद कहते हो। आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, जो इस संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। और कृष्ण शब्द कहने से तो कृष्ण 8 पहर में मिलेगा, लेकिन राधे कहने से कृष्ण 1 पहर में मिल जाएगा। बोलना पड़ेगा महाराज, ऐसे भगवान के चरणों में हमें प्रेम हो, ऐसे भगवान की कृपा हम पर बरसे और बरसेगी। बरसे राजा के बेटे का नशा उतारने के लिए वजीर ने घी पिलाया। कोई ना कोई संत आएगा जो तुझे भागवत रूपी घी पिलाएगा और तुझे भी तेरे परमात्मा की याद तेरे दिल में बसाएगा। ये भागवत ज्ञानी करती, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य माँ की गोद में बेहोश पड़े थे। भक्ति कहते हैं ना, भगवान की भक्ति कर ले तुझे मुक्ति मिल जाएगी। शायद आप भी करते हो भक्ति, मंदिरों में जाते हो, दीपक लगाते हो, करते हो, आप भी करती हो, मानता हो, व्रत करती हो, जल चढ़ाती हो, प्रसाद बांटती हो, बहुत सारे काम करती हो, करती हो। आज वो भक्ति परेशान है, क्योंकि उसके जो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के दो पुत्र हैं, नाम है ज्ञान और वैराग्य। दोनों बेहोश पड़े हैं, और बेटे जब बेहोश हो, बेटे बूढ़े हो जाए और माँ जवान हो, तो क्या माँ को अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? माँ अपना दुख बर्दाश्त कर सकती है, माँ अपनी पीड़ा सह सकती है, लेकिन बच्चों की पीड़ा नहीं सह सकती। भक्ति परेशान है। नारद जी ने जब भक्ति को देखा, भक्ति ने विनय प्रार्थना की, मेरे पुत्रों को नया जीवन दो, आप संत हो, कुछ भी कर सकते हो। तो भक्ति के पुत्रों को जगाने के लिए भक्तों गायत्री मंत्र का जाप उसके कानों में किया, भक्ति के बेटे को सुनाया, गीता का पाठ किया, उपनिषद सुनाए, वेद शास्त्र सुनाए, लेकिन भक्ति के पुत्र नहीं जागा। आप ये सोच के मत बैठना कि भागवत हुई तो गांव वाले इसलिए ये भागवत हुई है, कमेटी वाले इसलिए भागवत लेके आए कि तुम आओगे तो कुछ दान दोगे, गौशाला चलेगी। अरे श्याम सुख के भक्तों, आपके गौशाला तो वैसे भी देखने योग्य है। जोरदार तालियां एक बार आप सबसे ले ले। ये आपने इसे इतना सुंदर बनाया, मेरे पास शब्द ही नहीं, और आप वो भी बड़े अच्छे। लेकिन संसार के व्यवहार में, कारोबार में ये भगवत चिंतन आप भूल जाते हो। कोई बात नहीं, गो माता की कृपा से आपके ऊपर फिर परमात्मा की कृपा हो। आइए एक बार फिर उस चिंतन को करते हैं, एक बार फिर उस कथा को, शाश्वत शांति को। तू अपने आप को जान ले, और जिस दिन तुमने अपने आप को जान लिया, उस दिन तू माँ बाप की सेवा भी दिल से करेगा, पति के पत्नी के लिए भी भगवान बनेगा, संसार के काम भी निभाएगा, और गो माता की सेवा तुझे कोई कहेगा नहीं कर, तू अपने आप करेगा। सिर्फ इस कथा में बैठ के तुझे क्या करना है? अपनी पहचान करनी है, सिर्फ अपनी पहचान करनी है। ब्रह्मा के पुत्र नारद ने भक्ति के पुत्रों को जगाने के लिए हर परिश्रम किया, जो ब्रह्मा का पुत्र, लेकिन भक्ति के पुत्र नहीं जागा। और ये सारा ये दृश्य कहाँ है? वृंदावन में। ये सारी घटना कहाँ हो रही है? वृंदावन।
वृंदावन प्रेमियों का भक्तों का एक ऐसा तीर्थ है, हरिद्वार आप जाओगे दोबारा जाने को मन नहीं करेगा, करता है? कहीं भी देख लेना, हरिद्वार जाते हैं गंगा में पाप दूर हो जाएंगे, सालासर मेहंदीपुर जाते हैं संकट दूर हो जाएंगे, इसीलिए जाते हैं। लेकिन वृंदावन केवल दीदार के लिए जाते, देखने के लिए जाते, और वो है भी एक प्रेमियों का शहर, वो है भी एक भक्तों का रसिकों का शहर। क्यों? वहाँ हर भक्त की जीवा प्रेम के नाम रहता है, हर कोई वहाँ आते जाते खाते पीते गाड़ी चलाते समय गुजरते समय एक ही शब्द बोलता है। क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। चाहे कृष्ण है, चाहे भक्त है, चाहे गोपी है, चाहे उद्धव है, चाहे दुकानदार है, हर कोई बस एक ही शब्द गाता है। और उसी वृंदावन में भक्ति के पुत्रों को जगाने के लिए नारद जी बार बार प्रार्थना करते हैं, बार बार परिश्रम करते हैं। नारद जी ने भक्तों हर परिश्रम किया, लेकिन आकाशवाणी हुई कोई सत्कर्म करिए, और संत ने भक्ति को वचन दिया था कि मैं तेरे पुत्रों को नया जीवन दूंगा, अथक प्रयास के बाद भी जब भक्ति के पुत्र ना जागे। आकाशवाणी का अनुसरण करते हुए नारद जी ने सनक्ष नंदन सनातन संत कुमारों ने बताया कि भक्ति के पुत्रों के लिए अगर तू कोई सत्कर्म करना चाहता है और उन्हें अगर नया जीवन कोई दे सकता है तो वो भागवत कथा ही दे सकती है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। हरिद्वार में सनक्ष नंदन सनातन संत कुमारों ने कथा का शुभारंभ किया। नारद जी ने संकल्प मात्र लिया था भक्ति के पुत्रों के लिए इस कथा को करवाने का। उस कथा में भक्ति के पुत्र बैठे नहीं थे। बोलना पड़ेगा महाराज। कथा हो रही थी हरिद्वार में और भक्ति के पुत्र कहाँ थे? वृंदावन में यमुना के तट पर बेहोश पड़े थे। समझ रहे हो? इतनी दूरी थी लेकिन उनके निमित्त कथा हो रही थी। और पहले दिन की कथा जैसे ही सनकादिक मुक्त कंठ से गाने लगे, पहले दिन की कथा में भक्ति के पुत्रों को नया जीवन मिल गया। माँ अपने बेटों के साथ वृंदावन से सीधे हरिद्वार पहुंच गई जहाँ कथा हो रही थी। बोलना पड़ेगा महाराज। इतनी दूरी से भी कथा ने उनको जगा दिया, लेकिन वेद शास्त्र उपनिषद गायत्री मंत्र गीता का बार बार पाठ करने पर भी भक्ति के पुत्रों को नया जीवन नहीं मिला।